बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज। एसएसपी की मारी फिदा हुसैन जामरी और एसबी बल्दिया डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की सरबराही में सईदाबाद पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ सईदाबाद शाकिर हुसैन की बर्बर कार्रवाई से लाखों का सामान लुटने के बाद बचा लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान का पीछा करके बिलाखिर छीनी गई सुजुकी बरामद कर ली। सईदाबाद यूसुफ गोट से दो मुलजिमान सामान से लोड सुजुकी छीनी थी। पुलिस का इत्तला मिलते ही पेट्रोलिंग मोबाइल ने गाड़ी का पीछा किया और गुलशन मजदूर से सुजुकी को पकड़ लिया। मुलजिमान गलियों का फायदा उठाकर फरार हो गए। माल और 75,000 कैश भी बरामद। कराची में थाना सोल्जर बाजार पुलिस ने 12 रबी अव्वल के दिन शहरी की जेब से मोबाइल फोन चोरी करने वाले दो मुलजिमान बमा फोन के गिरफ्तार किया। सोल्जर बाजार पुलिस ने दौरान गश्त मुलजिमान को गिरफ्तार किया। जेब कुत्रों के कब्जे से दो चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि इन्होंने 12 रबी अव्वल के जुलूस नुमाइश चौरंगी से शहरी से मोबाइल फोन चोरी किए थे। कंप्लेंट मोहम्मद यूसुफ ने अपनी चोरी शुदा मोबाइल फोन की शनाख्त कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कंप्लेनर की मुदईत में कानूनी कार्रवाई की गई। दोनों मुलजिमान की शनाख्त रहमतुल्ला और शाहिद से हुई है। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्रांच सोल्जर बाजार के हवाले कर दिया गया है। खानपुर क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक रास्ते के तनाजे पर दर्जनों अफराद का मेहनत कश के घर मुबीना हमला। खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद, एक खातून समेत दो अफराद जख्मी। वाकया थाना सदर की हदूद मौजा गलन गलकाना बस्ती तीन झोल में पेश आया। फरहान, शब्बीर वगैरह ने साथियों के हमरा हमारे घर घुसकर तशद्दुद किया। दुकान में तोड़ फोड़ की। मुतासरा बशीर अहमद, इल्जाम एहलिया ने मौके पर फायरिंग भी की जिससे खौफ हरास फैल गया। बशीर अहमद का इल्जाम, सदर पुलिस का तहरीरी दरख्वास्त दे चुके हैं। बशीर अहमद, डीपीओ रहीम यार खान नोटिस लेकर कार्रवाई करें। मुतासरीन की अपील। रुकनपुर आरएनएन न्यूज रिपोर्टर लियाकत खान दश्ती के मुताबिक रुकनपुर वेटनरी डॉक्टर फयाज अहमद भुट्टा मियांवाली शेखा की मुबीना गफलत लापरवाही से गरीब मेहनतकश मौजा पुरान के रिहायशी की भैंस को गलत इंजेक्शन लगाने से 2.5 लाख मालियत की भैंस मर गई। गरीब मेहनतकश और अहले खाना ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और वेटनरी डॉक्टर फयाज अहमद भुट्टा मियांवाली शेखा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मेहनतकश की तरफ से वेटनरी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस चौकी सरदारगढ़ में दरख्वास्त दर्ज की जा चुकी है। कराची में जिला वेस्ट ममनाबाद से तेज धार डोर और पतंग फरोश मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी के बावजूद तेज धार डोर और पतंग फरोशी जैसे जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। एसएचओ ममनाबाद ने मुल्क चौक के करीब दुकान पर छापा मारकर कार्रवाई करके मुलजिम सलमान वल मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 503 अदद तैयार पतंग, 116 अदद तेज धार डोर की चरखियां, दीगर सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। वालदेन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला वेस्ट पुलिस कराची एडमिनिस्ट्रेटर कराची मशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा माजी में भी पीपल्स पार्टी ने पूरा किया और आज भी पीपल्स पार्टी लोगों को मकान और रोजगार फराहम कर रही है। इस सिलसिले में ये वो मुतासरीन हैं जिनसे माजी में मकान और रोजगार छीना गया। आज के एमसी मार्केट करंगी में इन्हें 35 मुतासर खानदानों को दुकानें फराहम की हैं। ये बात इन्होंने के एमसी मार्केट करंगी 5 के इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डीसी करंगी, सीनियर डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो, इमरान सिद्दीकी, सैफ अब्बास, ताजर बरादरी और पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिलेक्टेड हुक्मरानों ने आवाम से छत और रोजगार छीना, लेकिन हम इन्हें ये देंगे। हम पार्टी नारे को अमली जामा पहना रहे हैं। वोट पीटीआई और एमक्यूएम वाले लेकर गए, लेकिन काम पीपल्स पार्टी कर रही है। साबिक मेयर वसीम अख्तर के दौर में रोजगार छीना गया, लेकिन हम दुकानें बना कर दे रहे हैं। लियारी, बोल्टन मार्केट और शहर के दीगर इलाकों में भी मुतासरीन को दुकानें बनाकर दी जाएंगी। इन्होंने कहा है कि केएमसी करंगी मार्केट में 35 दुकानें तामीर की जाएंगी जो तजावजात से मुतासर दुकानों में तकसीम की जाएंगी। शहर के दीगर इलाकों में भी मुतासरीन के लिए दुकानें तामीर की जाएंगी। बल्दिया उज़्मा कराची मुतासरीन को दुकानें फराहम करने का मंसूबा बना रही है जो जल्द ही पूरा होगा। इन्होंने कहा है कि केएमसी अब वसाइल की बात नहीं करती बल्कि काम करती दिखाई दे रही है। वो मुतासरीन जिनसे माजी में
रोजगार छीना गया, अब इन्हें दुकानें और रोजगार मिल रहा है, जिससे इनकी माली मुश्किलात दूर हो रही है। इन दुकानों के जरिए बल्दिया उज़्मा कराची को किराया की मदद में रेवेन्यू भी मिलेगा। इन्होंने कहा है कि इन दुकानों की तामीर से कब्जा माफिया को भी कब्जा के लिए जगह नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो के विजन के तहत काम कर रहे हैं, मुर्तजा बहाब नहीं, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है। मुझे अंदाजा है कि 3 बड़े अस्पतालों को 40 रोज में दुरुस्त नहीं कर सकता, 40 साल का बिगाड़ है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा है कि केएमसी अस्पतालों के हवाले से भी काम कर रहे हैं, जल्द इन अस्पतालों में भी बेहतरी आएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल हमारे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। मेरे लिए आसान था कि अब्बासी शहीद अस्पताल में एक तख्ती लगाकर इसका इफ्तिताह करके गायब हो जाऊं, और फिर आप मुझे तलाश करते रहे कि अब्बासी अस्पताल में क्या काम हो रहा है। हम बातों पर काम नहीं और खिदमत पर यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि माड़ीपुर रोड की तामीर का काम जारी है, माजी के ठेकेदारों ने इस सड़क पर कोई तवज्जो नहीं दी। बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया था इस सड़क की तामीर जारी है, 2 माह में माड़ीपुर रोड का काम मुकम्मल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ वादा नहीं करती, अमली काम करती है।